अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम आज क्लास 3 में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 बनी। हम कैसे कैसे काउंट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उन पे वर्ड प्रॉब्लम जो होंगे वो आज हम कुछ टॉपिक्स आज करेंगे, कुछ हम दूसरे लेक्चर्स में करेंगे। तो हमारा पहला वाला टॉपिक है मनी कन्वर्जन। हम मनी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो पहला पहले हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ रुपीज इंटू पैसे। हम रुपीज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्जन ऑफ पैसे इंटू रुपीज, और पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है 100 पैसे के। RS का मतलब है रुपीज, 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है 100 पैसे के। तो मतलब जितने भी रुपीज होंगे हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो पैसे भी आ जाएगा। और कन्वर्जन ऑफ पैसे इंटू रुपीज में क्या करते हैं कि टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज वी सिंपली पुट डॉट बिफोर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट, मतलब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम वहां पे डेसिमल दे देते हैं। इसका मतलब वो रुपीज पैसे में कन्वर्ट हो, वो पैसे रुपीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इन पैसे। हमें नीचे दिए गए मेरे 3 प्रॉब्लम दिए हैं, उनको कन्वर्ट करना है पैसे में। फर्स्ट पे रख रहा है 2 रुपीज, 2 रुपीज। अब रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले बताया कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 रुपीज है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और रुपीज की जगह पैसे दे देंगे। पैसे को हम मेंशन करते हैं पी के साथ, 2 मल्टीप्लाई 100 200 पैसे आ जाएगा। फिर 12 रुपीज, 12 रुपीज को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 100 और रुपीज की जगह पैसे आ जाएगा, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो 1200 पैसे आ जाएगा। सेम तरीके से 6 रुपीज एंड 40 पैसे। अब यहाँ पे रुपीज भी है और पैसे भी है, हमें आंसर चाहिए सिर्फ पैसे में। तो क्या करेंगे, पहले रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 6 रुपीज का मतलब 6 मल्टीप्लाई 100 पैसे, तो आंसर आ जाएगा 600 पैसे। और 40 पैसे हमें और लिखने हैं, तो +40 लिख दिया मैंने, और 600 प्लस 40 पैसे क्या हो जाएगा, 640 पैसे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इंटू पैसे, कन्वर्ट इंटू रुपीज, रुपीज में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो 275 पैसे हमें दिए गए। तो मैंने पहले बताया कि पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए जो 2 नंबर है उनको छोड़ के यहाँ पे हम डेसिमल दे देंगे। तो मैंने क्या किया, 5 और 7 को छोड़ के यहाँ पे मैंने डेसिमल दे दिया। अब क्या हो जाएगा, 2.75 रुपीज हो जाएंगे, 2.75 रुपीज हो जाएंगे। 430 पैसे को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, ये 2 नंबर छोड़ के मैंने यहाँ पे क्या दे दिया डेसिमल, ये क्या हो जाएगा 4.30 रुपीज हो जाएंगे। सेम तरीके से 693 हमें क्या है, रुपीज है तो उनको हम पैसे है तो हम उनको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 डिजिट मैंने 1 2 यहाँ पे डेसिमल दे दिया। इसका मतलब ये क्या कन्वर्ट हो गया रुपीज में। तो डियर स्टूडेंट आज हमने सीखा है रुपीज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पैसे को रुपीज में कैसे करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में SMS करके पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको आंसर दे दूंगा। तो आप एक चैप्टर भी हमने फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो उनकी वो डेफिनेशन और एक्सरसाइज में रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको जरूर करने होंगे, और फिर कॉपी में भी लिखने होंगे। तो कोशिश करके आपको फिर कॉपी में लिखे और उन पर प्रैक्टिस भी करें, और जो ये प्रॉब्लम मैंने करवाए हैं ये भी आपको फिर कॉपी में लिखने हैं। ये 9.1 एक्सरसाइज में से मैंने 3 प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन से लिए हैं, 3 प्रॉब्लम सेकंड से लिए हैं, जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है इससे भी वो भी आपको फिर कॉपी में करने होंगे और उन पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपके पेपर से रिलेटेड ये अगर टॉपिक थी, तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम रुपीज को कैसे ऐड करते हैं और पैसे को, और सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। तो कोशिश करके आप इन पर प्रैक्टिस करें, टॉपिक पे प्रैक्टिस करें तो आपको मजीद दूसरी टॉपिक पे भी हेल्प मिलेगी। तो कोशिश करके आप घर पर प्रैक्टिस करिए, तो बेस्ट ऑफ लक, घर में रहिए, कुछ नहीं और हमें गाँव में याद रखें।